नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एम के नर्सिंग अकेडमी। आपके लिए सबसे बिग न्यूज़, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आए हैं। UPCHO की 2800 पोस्ट के लिए वैकेंसी जो काफ़ी टाइम से सर्कुलेट हो रही थी, उसमें पहले BSc नर्सिंग मांगा था, लेकिन अब इसको संशोधित कर दिया है। BSc नर्सिंग प्लस GNM इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके क्या तारीख रहती है, क्या लास्ट तारीख है, वो सब अपन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। UPNRHM की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये मैंने ओपन किया है। UPNRHM वेबसाइट पर इसको ओपन करते हैं अपन। और ये UPNRHM गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएगा, आप आराम से देख सकते हैं। ये आप यहाँ पर विवाल करके सबसे ऊपर यही नोटिफिकेशन है, ये आप देख सकते हो। न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑफ 2800 वैकेंसीज ऑफ CHO जो कि जून 2021 को अपलोड किया गया है। ये मैंने ऑलरेडी अपलोड कर डाउनलोड कर रखा है, ओपन कर लेते हैं इसको। ये नोटिफिकेशंस ओपन हो चुका है जो कि स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट की तरफ से हैं। NHMs उत्तर प्रदेश करियर अपॉर्चुनिटी फॉर नर्सिंग प्रोफेशंस 2800 वैकेंसीज है। ये नेशनल हेल्थ मिशन यानी NHM उत्तर प्रदेश ने 6 मंथ के लिए ये एप्लीकेशंस मांगे हैं, 6 मंथ जो कि कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेज CCHNs ट्रेनिंग के लिए 2021-2022 सेशन के लिए, ठीक है। दिस कोर्स इज अ पार्ट ऑफ इनिशिएट अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम्स। गवर्नमेंट ऑफ UP इन विजन्स टू स्टेंस सब हेल्थ सेंटर एज हेल्थ एंड वेलनेस, तो इसमें है, ये इसका एक पार्ट है। कैंडिडेट हु इज सक्सेसफुली कम्प्लीट दिस कोर्स, जिन कैंडिडेट ने ये कोर्स कम्प्लीट कर लिया है वो डायरेक्ट उनको CHO की पोस्टिंग मिलेगी, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया उसे 6 मंथ का कोर्स करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर CHO की पोस्ट मिलेगी उनको। तो इसमें बताया है कि NHM CUP की तरफ से 1800 कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है, कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज जी आप देख सकते हैं कि कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज है ये, यदि आप देख सकते हो ये, ठीक है। तो इसके अलावा इसमें एप्लीकेशन कौन भर सकता है, तो GNMs और BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी। और एज लिमिट इसमें बताए, एज लेस देन 35 ईयर्स ऑफ एज द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट कैंडिडेट। एक ख़ास बात यहाँ पर यह है कि कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड एज ए नर्सेज एंड मिडवाइफरी फ्रॉम UP नर्सेज एंड मिडवाइफरी काउंसिल्स एंड हैव वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन सबमिशंस ऑफ एप्लीकेशंस का। एक खास बात है कि कैंडिडेट को जब फॉर्म फिलअप करेगा तो उस वक्त उसको UP नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल से उसका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, मस्ट, ठीक है। इसके अलावा ओनली एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड एंड वैकेंसी बी सब्जेक्टेड टू स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इसमें जो है वो ये एप्लीकेशंस फॉर्म्स विल बी एक्सेप्टेड एंड वैकेंसीज विल बी सब्जेक्टेड टू स्टेट रिजर्वेशंस, यानी कि उत्तर प्रदेश के लोगों को ही इसमें रिजर्वेशंस का बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा ये एप्लीकेशंस भी है जो है कि UP के लिए ही एक्सेप्टेड की जाएगी, ठीक है। NHM UP रिजर्व द राइट टू कैंसिल एनी ऑल पोजिशन या एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। इसमें जो वैकेंसी की संख्या है वो कम ज़्यादा भी हो सकती है स्टेज ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ठीक है। तो पोजीशन नेम है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, टोटल नंबर अभी है फिलहाल 1800 और ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे आपके 30-36 से 11 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे और इसकी लास्ट तारीख रहेगी 20-7, ठीक है। तो आप ये वेबसाइट विजिट कर सकते हो, प्लीज़ वेबसाइट NHM UP वेबसाइट की है UPNRHMs फॉर फर्दर डिटेल्स, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, और भी कोई इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग रहती है तो हम आपको अपडेट कर देंगे। हमारे चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।